हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोमिक। तो गाइज, आप लोगों ने प्रीव्यू पर जिस तरह की स्टेटस देखा, इस तरह की स्टेटस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने इस स्टेटस को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ देर पहले इसको इधर अपलोड किया था, लगभग 30 मिनट्स पहले इसको अपलोड किया था इधर। अभी आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर 3000 से ऊपर व्यूज़ है। तो गाइज, ओनली 30 मिनट्स में इसके ऊपर 3000 के ऊपर व्यूज़ है। तो गाइज, इस तरह की स्टेटस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। अगर आप भी बनाओगे इस तरह की स्टेटस और डालोगे कोई भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपका वीडियो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर आ सकता है और आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। तो इस तरह की स्टेटस एडिटिंग करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना है। मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे आप लोग इस तरह की स्टेटस एडिटिंग कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इस तरह की स्टेटस एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा जिसका नेम है काइनमास्टर। तो जिसके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है, वो लोग मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं उधर काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। तो अगर आप लोगों को उधर काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिलता, तो उधर आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो उधर आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके बहुत देख सकते हो, ऊपर में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक पिन करके रखा है। तो उधर से आप लोग बहुत ही आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, तो उधर आप लोग टच करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पर आप लोग न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। तो गाइस, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह की स्टेटस रीडिंग करने के लिए आप लोगों को पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आप लोगों के ऊपर क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर 9:16 रेशियो के ऊपर क्लिक करके इधर नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इधर आप लोगों को इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कोई भी इधर से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इधर से डन कर लेना है और फिर से उसके ऊपर क्लिक करके इसको आप लोगों को खींच के बड़ा कर लेना है। इधर आप लोग जिस तरह जितने सेकंड तक स्टेटस रीडिंग करना चाहते हो, जितने सेकंड तक आप लोग स्टेटस करना चाहते हो, तो उतना सेकंड इसको खींच के बड़ा कर लीजिए। तो मैं इधर पे इसको 30 सेकंड कर लेता हूँ और इधर से इसको डाउन करके फर्स्ट वाले पोजीशन पर आ जाता हूँ। तो इधर आने के बाद आप लोगों को इधर एक फ़ोटो इनपुट करना है। सो गाइस, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इधर जितना भी फ़ोटो और जितना भी वीडियो इफेक्ट ऐड किया है, तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो आप लोग उधर से इस सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब इधर पे हम लोग एक फ़ोटो को ऐड करेंगे। तो फोटो को ऐड करने के लिए आप लोग लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और मिरर के ऑप्शन पर क्लिक करके उस फोटो को इधर लाना है। तो उस फोटो को इधर लाने के बाद आप लोगों को इसको खींच के पूरा वीडियो तक कर लेना है ऐसे। तो पूरा वीडियो तक कर लेने के बाद आप लोगों को फर्स्ट वाली पोजीशन पर आ जाना है और इसको खींच के फुल स्क्रीन कर लेना है ऐसे, थोड़ा बड़ा कर लेना है। सो गाइस, फर्स्ट वाली पोजीशन पर आने के बाद आप लोगों को फोटो को एक साइड पे कर लेना है। पहले कोई भी एक साइड पे ऐसे कर लेना है। तो फर्स्ट कोई भी एक साइड पे कर लेने के बाद आप लोगों को बाएं तरफ बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो इधर से आप लोगों को इस ऑप्शन पर जाना है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को लास्ट वाली पोजीशन पर चले जाना है और फोटो को जिस साइड है उसकी ऑपोजिट साइड पर ऐसे कर लेना है ऐसे। तो मैं उधर से इस फोटो को इधर लेके आ गया हूँ और इसके बाद आप लोगों को इसको खींच के इसके बीच वाली पोजीशन पर जाना है। तो मैं इस 30 सेकंड के बीच में मैं मतलब 15 सेकंड पर जाता हूँ और इधर पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर से इसको डन कर लेना है। सो गाइस, देख सकते हो हमारे इस फोटो के ऊपर एक इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आप लोगों को पहले वाले ऑप्शन पर आ जाना है और एक इधर से स्मोक इफेक्ट को ऐड करना है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, उसको उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको इधर इनपुट करने के लिए आप लोगों को इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस वीडियो को इधर लाना है। तो लाने के बाद आप लोगों को इधर एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये फुल स्क्रीन हो चुका है। तो ये फुल स्क्रीन हो जाने के बाद आप लोगों को इधर एक बार टैप करना है, बैक करना है। तो बैक करने के बाद आप लोगों को नीचे जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। तो इधर आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शन दिख सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे स्किन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर से बैक करके इधर से डाउन कर लेना है। सो गाइस, इधर देख सकते हो हमारा एक स्मोक इफेक्ट नीचे ऐड हो चुका है।
तब आप लोगों को फास्ट वाले पोजीशन पर आ जाना है और इधर एक आप लोगों को नेचर पीएनजी को ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसको इधर लेना है। तो लाने के बाद आप लोगों को इसको जूम कर लेना है पहले। सो गाइस पहले इसको पूरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं, सॉरी गाइस इसको पूरा स्ट्रेस पर कर लेते हैं ऐसे। करने के बाद फास्ट वाले पोजीशन पर आके इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये फुल स्क्रीन हो जाने के बाद आप लोगों को इसको एक साइड पे कर देना है ऐसे, बाएं तरफ ही कर देते हैं। करने के बाद आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद इसको इधर खींचना है। तो इधर खींच के आप लोगों को इस वाले पोजीशन पर इस साइड पर इसको अटैच कर देना है, लगा देना है। लगाने के बाद आप लोगों को इसको बीच में जाना है 15 सेकेंड पर। तो 15 सेकेंड पर जाने के बाद आप लोगों को इधर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इधर से डाउन कर लेना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। और इधर पे आप लोगों को एक साउंड इफेक्ट ऐड करना है। साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को पहले पहले पोजीशन पर आ जाना है और इधर आप लोगों को ऑडियो ऑप्शन दिख रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे कोई भी एक साउंड इधर ऐड कर लेना है। सो गाइस मैं इधर से एक साउंड इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ जिसको मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करके रखा है इधर मेरे गैलरी पे। सो इसको इधर ऐड करने के लिए आप लोगों को इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इधर ऐड कर लेना है। सो गाइस देख सकते हो ये इधर ऐड हो चुका है। आप इधर से इसको डन करके हम लोग एक बार प्ले करके देख लेते हैं हमारा स्टेटस कैसा बना है। सो गाइस देख सकते हो हमारा स्टेटस प्रीव्यू का जैसा ही बांध के तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है इधर, तो इसको ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब इसको आप लोग फुल एचडी पर सिलेक्ट करके और इधर फ्रेम रेट 60 करके इधर नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।